कर दोस्तों, राधा मोहन का आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब आखिरकार खाने में तो इनका चलेगा नहीं, लेकिन दामनी और दामनी की माँ मिलकर दोनों दूध में जहर डालती हुई नजर आने वाली हैं, ताकि पूरे का पूरा इल्जाम जो कि राधा के सिर पर लग जाए, और राधा के सिर पर इल्जाम लगने के बाद में राधा को ही इस घर से निकाल दें। आप लोग जानते ही हैं कि घर में पूजा पाठ हुई थी, उस पूजा पाठ में हालांकि सभी लोग मौजूद थे, लेकिन उसमें जो मुख्य भाग लिया था वो लिया था राधा और मोहन दोनों ने मिलकर। जी हाँ, क्योंकि दामिनी की ख्वाहिशें अधूरी रह चुकी है, और दामिनी ने यह सोचा था कि मैं बैठूंगी मोहन जी के साथ में, लेकिन मोहन जी के साथ में बैठना तो बहुत दूर की बात है, पास में भटकन भी नहीं दिया इस समय दामिनी और दामिनी की माँ को। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर बात की जाए राधा की, तो राधा इस समय बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि आखिरकार मेरा क्या होगा। जी हाँ, राधा इसलिए टेंशन में है कि जो इन लोगों ने तुलसी जी के साथ में किया है, ये मेरे साथ में ना कर दें इस चीज़ को। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कहानी में वाकई में एक से बढ़कर एक नए नए ट्विस्ट देखने को मिल ही रहे हैं। बात की जाए इस समय की बड़ी अपडेट की, तो इस समय बड़ी अपडेट मिल रही है कि इधर दामिनी का एक्सपोज होने का बारी आ चुकी है, क्योंकि राधा ने इस समय मोहन की मोम से पूरी बात बता दी है कि ये कहानी है, और जिसके बाद में अब चोरी चोरी चुपके चुपके ही सही, लेकिन इस चीज़ को वेरीफाई करती हुई नज़र आने वाली हैं इधर मोहन की माँ, क्योंकि मोहन की माँ को भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो शक उसको है भी, क्योंकि पूर्ण रूप से तो विश्वास नहीं है, लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार ये कहानी कहाँ पर एक नया ट्विस्ट लेकर आती है। आप लोग जानते हैं कि दामिनी इस समय बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि अगर उसकी पोल इस घर में खुल गई तो उसके बाद में क्या होगा, ये बात आप लोग भली भांति जानते ही हैं। साथी दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नागर। जी हाँ, आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताएगा इस कैसे लगे।